सर वणक्कम मेरा नाम मुरुगेशन है। मैं तुम्हारा न्यू असिस्टेंट आई जी। आपका नाम किशोर मुझे मालूम है। टेंशन नहीं लेने का, कुछ नहीं पूछेगा। तुम बोल नहीं सकता, सुरेश सर ऑलरेडी बोला जी। अब मैं जाके और स्ट्रांग टी लेके आना जी। अभी वो सुन, कितनी बार कहूँ तुझे, क्यों उस लड़की के पीछे बार बार बेकार फिरता रहता है। अबे समझ में नहीं आता क्या कुछ बोल रहा हूँ तो। अबे कुछ मत कर यार, यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठा हूँ, आ जा। ओके कितनी बार बोला तेरे को डीजल गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालने का। ओह सॉरी। सर मेरा नाम सृजन है, बताइए कैसे सहायता कर सकता हूँ। सृजन खाना खाया क्या? हाँ खा लिया सर। आपका इंटरनेट सिग्नल मुझे छोड़ रहा है क्या? नहीं तो सर। अरे साले इंटरनेट कनेक्शन ले लो करके मेरे पीछे पीछे ही पड़े थे ना रे। अबे साले बिल कौन भरेगा रे? क्या बोल क्या रहे बात सर? कर रहे रे? बेकार नेटवर्क बेकार सर्विस, मुँह में क्या रखा बे? बोल बे साले बोल। हेलो सर, मैं नंदू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अबे नंदू कहाँ है रे तू? ऑफिस में हूँ सर। ऐसा क्या, घर कब निकलोगे? शाम में जाता हूँ सर। क्यों सर? मेरे लड़के लोग तुम्हारे घर पे इंतजार कर रहे हैं सर। जल्दी जा जा। अबे साले मेरे घर पे आके कनेक्शन दिया, मेरे चमेली से वीडियो कॉल में बात कर रहा हूँ, सिग्नल ये नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मेरे लड़के लोगों को भेजा। चल जल्दी वहाँ से निकल। छोड़ तुम बॉस को मैं तेरे सर, ये जॉब नको सर, छोड़ दो सर। लिंक्डइन में दो बार ऐड देखा तभी मेरे को डाउट आना था सर। क्या है सर, पागल के ऐसा गालियाँ दे रहे हो? ये कंपनी में आने के बाद मालूम पड़ा सर, इतने गालियाँ रहते मेरे से नहीं हो रहा सर, मुझे छोड़ दो। क्यों बच्चों जैसी बात करते हो, हैव सम पेशेंस सर। हमारा पेशेंस बढ़ाने से अच्छा कंपनी का सिग्नल बढ़ा सकते हैं ना सर। उसके लिए 2 करोड़ रुपए खर्चोगे, ऐसा तो 25 लाख में हो ही जाएगा। अगर आप ऐसे सोचते बैठे ना सर, फर्स्टेशन में फर्नीचर तोड़ देते ना, उसका खर्चा भी 2 करोड़ से ज्यादा होता। अब कितना बोलो सर, मेरे से नहीं होता, मैं छोड़ देता हूँ, आप कोई और बकरा ढूंढ लो। थैंक यू सर। अरे 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 रुको रुको रुको, राम राम। मैडम इधर इंटरव्यू के लिए किधर जाना है? गो स्ट्रेट एंड टेक लेफ्ट। गो स्ट्रेट एंड टेक लेफ्ट। इतना गुस्सा क्यों, हंस के तो बोल सकती है ना। इस कंपनी में जॉब के लिए आना ही बड़ा बात है, ऊपर से इंटरव्यू करना क्यों सर, डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए। इतना समझदार है तो तुम ही कर सकते हो ना नौकरी। मेरे तनख्वाह 3,500, ऊपर से और एक जॉब करना है क्या? अरे हमारे कस्टमर के गालियाँ सुनने के लिए हमें पेशेंस चाहिए, इसलिए टेस्ट करके लिया सब, जो 4 दिन काम कर लेगा। इतना पेशेंस वाला अपना पास क्यों करेगा? एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? कम इन कम इन कम इन। जरा है ना, कौन बैठो बोला तेरे को? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, रहने दीजिए। क्या तुम्हें शुगर है? बोले तब तक रुक ले सकते, तेरे जैसा ही शादी को बुलाया तो सुहागरात पूछता है। सुहागरात कहते खूब मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारी शादी हो गई? हुआ नहीं होगा, इसीलिए फेस पर्स पहन ले सर, नहीं चाहिए। कमिंग टू द पॉइंट, ये सिटी में हाई रेटेड सुपर फास्ट इंटरनेट कंपनी हमारी, ऐसा ही सोचेगा। उसका कंप्लीट अपोजिट नेटवर्क हमारा है।
फ्री नेटवर्क। अरे वो बंद कर रहे गधे। हमारी कंपनी में काम करने के लिए क्वालिफिकेशन की नहीं, कोई भी गालियां दिया तो सहने की पेशेंस चाहिए। फॉर सपोज यदि कोई मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड फेलो हमें फोन किया समझो, तो तुम कैसे डील करोगे? ऑलरेडी 4 लोग लाइन पे सर। स्पीकर लगाओ। हेलो, बात कर। बात करना है। हेलो, नमस्ते सर। अबे साले, तूने फोन के सिग्नल को स्विच बैंक में छुपा रखा है क्या? सुबह से 10 बार फोन कर चुका हूँ, एक बार भी नहीं लगता। काहे का सिग्नल है, काहे का नेटवर्क है, कैसे सुन रहे हो क्या मुझे? अरे कितने प्यार से चमेली का वीडियो देख रहा था, देखते देखते जहाँ पर अच्छी सीन आने वाली है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होगा। सिग्नल निकल गया, यूट्यूब काम करना छोड़ ही दिया। अबे पड़बुक लो, संभाल के रख दो। अबे ओ, फोन में वो तुम्हें इतनी गालियां दे रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान ने तुम्हें शर्म नहीं दी? सर आप क्या बोल रहे हो, वो क्या बोल रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहरा हूँ। क्या तुम बेवकूफ? क्या बेवकूफ कह रहा था मुझे? अबे ओ, यहाँ पे ठीक से सुनने वालों को ही नौकरी नहीं मिल रही, तुम्हारे जैसे बहरों को कहाँ से नौकरी मिलेंगी रे? हाँ? तू बेरा है ना, इसलिए आपको जॉब नहीं दे रहा। तेरे कान में चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, जरा मेरा चेहरा देखते हुए बोल। तू बेरा है ना, इसीलिए तू उन्होंने जॉब आपको नहीं दे रहा। क्यों सर, बहरे को नौकरी नहीं दोगे? ये कैसे सुनाई दिया? मुझे थोड़ी लिप रीडिंग आती है सर। नौकरी नहीं दोगे तो आपका ही नुकसान होगा। जानते हो बाहर क्या कहते हैं? कस्टमर देने वाली गालियों की वजह से सब लोग यहाँ से नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा सर, वो कितनी भी गाली दे मुझे क्या सुनाई देगा, बहरा हूं ना। लेकिन अभी सर, मेरे प्रॉब्लम के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। अगर किसी कस्टमर का प्रॉब्लम के साथ हमें कॉल आता है, तो हमसे एक टेक्स्ट मैसेज उन्हें जाएगा। उस टेक्स्ट के अंदर प्रॉब्लम्स की सारी लिस्ट हम भेजेंगे, उसके अंदर कस्टमर क्लिक करेगा तो हमें नोटिफिकेशन मिलता है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम जानने के बाद हम उन्हें रिटर्न कॉल करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्मार्ट। आई नो सर। तुम सुन नहीं सकते ना? क्या कहा सर? कुछ नहीं, तो कल सवेरे जॉब ज्वाइन हो जाओ। अच्छा, कल सुबह से ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बस चल रही तुझे स्वीट खिलाऊंगा। हां वो लेने के बाद देखिए। अबे उसे क्या सुनाई देता है? ना सुनाई देता है क्या सर? अबे तेरे को एक्सक्यूज मी बॉस। कौन है आप? मैं सुरेश, आपको कॉल किया था मैंने। हाँ, कोई डॉग बेस्ड प्रोजेक्ट करना चाहते हो ना? एग्जैक्टली। हाँ आइए, अंदर जाके बात करेंगे। या बोलिए सर, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? एक मिनट, वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ। हाँ ओके। आप तो ब्लाइंड होने के बावजूद भी डॉग्स को ट्रेन करना, वो भी सिटी में सबसे नंबर वन ट्रेनर बना, सुपर है बॉस। तो आप क्या अकेले रहते हैं यहाँ पर? हाँ अकेले रहता हूँ। बगैर किसी सहारे के बिना आप कैसे रह सकते हैं? 1990 में बिलियरबिन नाम के ब्लाइंड पर्सन ने कुत्ते की मदद से 2200 माइल्स लॉन्ग पार करके एप्लॉन्चेल ट्राइल्स रास्ते को पूरा कर दिया। मुझे पता है इस दुनिया में बेस्ट सपोर्टिव क्रिएचर कुछ है तो वो डॉग एक ही है। हाँ, मेरा एक छोटा सा डाउट है, मेजॉरिटी केसेस में पुलिस हर बार एविडेंस के लिए डॉग्स की मदद ही लेते हैं, क्यों ऐसा? क्योंकि उनको हमसे 10,000 गुना ज्यादा स्मेल करने की कैपेसिटी रहता है, इसलिए। क्या 10,000 गुना ज्यादा? और एक बात, ब्लडहॉन्ड ब्रीड डॉग 130 किलोमीटर के दूर में हुआ क्राइम स्पॉट को भी इजीली पहचानता है, और 300 घंटे के बाद मतलब 12 दिन के बाद भी क्राइम स्पॉट को इजीली ट्रेस कर सकता है। वैसे पूरे इंडिया में स्मार्टेस्ट डॉग कौन सा है? डॉग्स को पालने वाले हर 10 मेंबर्स में 5 मेंबर जर्मन शेपर्ड को पालते हैं। उनकी स्पेशलिटी क्या है किसी को पता नहीं है। द थर्ड मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग इन द वर्ल्ड इज जर्मन शेपर्ड। एक आदमी से भी 4 गुना ज्यादा क्राइम स्पॉट को भी पहचान लेते हैं। उनको सेंट्रो क्रोल्स में भी क्रिमिनल को पहचानने का कैपेसिटी उनको बहुत ज्यादा होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक जर्मन शेपर्ड ने 54 सोल्जर्स को सेफ जोन में लेके आके बचाया। सब कुत्ते को एक गाली की तरह इस्तेमाल करता है, उनमें मैं भी हूँ। लेकिन आज के बाद किसी ने कुत्ते से मुझे कंपेयर किया तो एक सैटिस्फैक्शन मिलेगा बॉस। इस दुनिया में हमसे कुछ भी मांगे बिना हमसे अफेक्शनेट से रहने वाला कुत्ता एक ही है। हमारा बहुत बड़ा दुनिया है, मगर उसको हम ही दुनिया है। गुड, थैंक यू बॉस, बहुत इंफॉर्मेशन दिया तुमने, मेरे प्रोजेक्ट पे बहुत काम आएगा। ओके, आई लीव नाउ। यू आर वेलकम। या
ओ सॉरी। राज्य रणम। कैन आई रीड दिस? थैंक यू। ओहो रे 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 आ गया आ गया ये लो। थैंक यू। अरे थैंक यू कुछ भी रखो जी, हमारा सार दे के भेजा आपको। थैंक यू उनको बोला जी। देखो जी लाइब्रेरी में कोई भी बात करा तो सार को पसंद नहीं आता जी, थैंक्स ही तो है ना, मैं बोल देगा। मैडम जी आपको थैंक्स बोला जी। ₹600 हुए, चलो इंग्लिश दवा भी खा लेते हैं, इसके ₹600 अलग से हो जाएंगे। कॉल करने के लिए धन्यवाद। कृपया अपना टेक्स्ट मैसेज एक बार चेक करें। अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस पर दबाइए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बीच में दबाइए, लेकिन दबाना मत भूलिएगा। अरे ये क्या डार्लिंग, तुझे नहीं यहां पर, हम दोबारा कॉल करेंगे। मेरे डैडी ने बात करने के लिए बुलाया। हे क्या बात है या। और क्या, मैं फुल चार्ज लगा कराऊंगा और आपके डैड से चैट करूंगा। वैसे तुम्हारे डैड को बताया ना कि मैं बह रहा हूँ? ना नहीं बोली। विल मैनेज। ए क्या बात कर रही है तू, कैसे मैनेज करेगी, पागल है क्या? मुझे लिप रीडिंग भी जरा सी आती है, 7 बार फेल होने के बाद जाकर पास हुआ, मैं तो फंस जाऊंगा उनके पास जाकर, पागल कहीं की। शो मत करो, मोबाइल चार्जिंग रख लेकर आ जा। शादी करना चाहते हो या नहीं? शादी के लिए किसी और बहरे को ढूंढ लो, दोनों मिलके चैटिंग कर ले सकते हो। ठीक है ऐसे ही करते हैं। पूछो उनसे कब आना है तभी चलते हैं। बाप रे जूली काम डाउन। हाय दीपक। हाँ सर। कौन सर? कुछ नहीं, मैं बगल में रहता हूँ 11th Avenue में। बाय द वे मेरा नाम सांभवी नायक है। बोलिए सर, यहाँ पे कैसे? कुछ नहीं, रिसेंटली हैव गॉन थ्रू फ्रॉम फेमस वेबसाइट जिसमें आपके डॉग ट्रेनिंग के स्किल्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन आप इतने अच्छे देखभाल करते हो कुत्तों की, कमाल की बात है। ये सब मेरे फादर की आशीर्वाद है सर, उनकी मॉरल सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक आया हूँ। ओह सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? एक्चुअली मेरे कुत्ते को इंटरनेशनल डॉग फेस्टिवल में हिस्सा लेना है, इसी सिलसिले में मैं आपके पास लेकर आया हूँ सर। आप ही से अच्छा ट्रेन कर सकते हो, इसी उम्मीद से मैं इसे लेकर आया हूँ सर। अच्छा है सर।
ये जर्मन शेपर्ड है ना? यस यस यस। बहुत इंटेलेक्चुअल डॉग है सर। नाम क्या है सर इसका? विक्रम सिम्हा। विक्रम सिम्हा। सर आजकल इंसानों को भी हिस्टोरिकल नेम्स एंड ट्रेडिशनल नेम्स किसी को भी नहीं रखा जा रहा जो आपने अपने पेट को रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है इसलिए। नाइस सर। सर बाय द वे आपकी सेंट सीके है ना सर? ओ गुड गेस। सर विक्रम सिम्हा को मेरे पास छोड़ दीजिए, वीकली एक बार आके ट्रेनिंग का प्रोग्रेस देख लीजिए। इज इट? थैंक यू, थैंक यू सो मच सिम्हा। टेक इट। हेलो कंट्रोल रूम। सर रूलिंग पार्टी के लोखंडवाला डिवीजन कॉर्पोरेटर को खंडाला में मर्डर कर दिया गया है सर। फिंगरप्रिंट्स कुछ मिले क्या? अभी तक नहीं। क्या है परिस्थिति, कैसा मरा? मरा नहीं सर, मार दिया गया। मर्डर? क्या ये कौन से वेपन से काटा है? कितना अजीब है ये धब्बा। एक आड़ा लाइन है, उस पे एक टेढ़ा लाइन भी है। कौन से वेपन से मारा रे? आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली वेल प्लान्ड मर्डर सर, एंड एग्जीक्यूटेड बाय सम काइंड ऑफ डिफरेंट वेपन सर। मोर ओवर डिपार्टमेंट में नया है क्या? हाँ नया हूँ सर। पोस्टमार्टम को भिजा दो। ओके सर। रघु डिटेल सब कीन से चेक करके फाइल बना के भेज दो। ठीक है, सेंड मी इमीडिएटली। सर कौन है बेटे आप? चोर की तरह मेरा घर पूरा तुम घूर के देख रहे हो, कौन हो तुम? बताओ। मैं आ गया क्या? पापा दिस इज सुशांत। सुशांत पापा। नमस्ते। ओ सुशांत तुम ही हो क्या? जी सॉरी मुझे मालूम नहीं था। ग्लैड टू मीट यू। थैंक यू। आपकी शर्ट भी बहुत अच्छी है। थैंक्स। बेटी लड़का बहुत ही मिलनसार है। हाँ कॉफी पी कुछ नहीं चाहिए। बैठ जाओ ना। अरे नहीं सर बैठो। अगर आप भी बनाएंगे तो नहीं पीऊंगा सर। सॉरी। अच्छा बैठना है। और क्या बताओ बेटा, इंटरव्यू के जैसे पूछे जाने वाले की तरह मैं घुमा फिरा कर नहीं पूछूंगा। स्ट्रेट टू द पॉइंट। नौकरी कहाँ करते हो? बहुत बढ़िया। ओके सर। नौकरी के बारे में पूछने से तुम सीरियल आ रहे हो? अच्छा तो जॉब? मैं एयरफी के नेटवर्क में काम करता हूँ सर। सिटी में चीफ एंड बेस्ट नेटवर्क हमारा ही है सर। अगर चाहिए तो हमारे घर में भी लगा देंगे। कोई बात नहीं, नेट के बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ। अभी मेन पॉइंट पे आओ। हाँ हाँ। अरे बेटी हाँ। तुम जाके जूस लेके आओ। हाँ। जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? सर रिश्तेदारों के लिए अलग सा डिस्काउंट मिलता है सर, नेट लगा देते। अरे तुम नेट फिक्स करने आए हो या बात करने आए हो?
पहले ये बताओ कि तुम्हारी सैलरी कितनी है। 800 सर, 800 रुपीस पे करने पे 5 GB डेटा फ्री मिलता है सर। अरे तुम पागल हो गया, यहाँ आके क्या क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारी सैलरी पूछ रहा था, तुम कुछ और ही बोल रहे हो। अच्छा सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं। सर मुझे हर महीने 25,000 सैलरी मिलती है सर, TADA मिलाकर अलग से 10,000 रुपए मिलते हैं। हम ऐसे नेट फिट करते हैं कि एक ही हफ्ते के अंदर उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए, ऐसे रिपेयर करने पे और 10,000 अलग से मिलते हैं सर, सब मिलाकर 45,000 तक मिलते हैं सर। अच्छा बेटा, और कुछ आदत है क्या? एक है सर, ईस्ट फेसिंग, ईशानी का कॉर्नर फ्लैट, ओपन बालकनी, किचन में 2 खिड़कियां हैं ताकि वास्तु के लिए अच्छा। बंद करो, रेडियो जॉकी की तरह बकवास करते जा रहे हो, जरा भी चुप नहीं हो रहे हो। असल मैं जो पूछ रहा हूँ तुम बता रहे हो, उसका आपस में कुछ मतलब निकलता है क्या? फुल फर्निश्ड है, 2 किलोमीटर फ्रॉम मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड से सिर्फ वॉकेबल डिस्टेंस सर। अरे तुम पागल हो गए क्या? और थोड़ी देर ऐसी बात करोगे तो मैं BP से मर जाऊंगा मैं। अरे तुम्हारी आदतों के बारे में पूछने से, अरे मेट्रो 2 किलोमीटर, बस स्टॉप को वॉकेबल डिस्टेंस बता रहे हो? ओह आदतों के बारे में पूछ रहे हैं आप, बिना सीधा पूछ सकते हैं। मुझे कोई आदतें नहीं है सर, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो गर्ल्स, स्टिल वर्जिन सर, इसकी कसम आपकी भी कसम। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी बातों में तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं। जाने दो, फिर भी आप दोनों ने प्यार किया है ना, तुम्हारे माता पिता नहीं है ना, तो मैं तुम्हारी शादी के बारे में किससे बात करूं? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ किससे बात करूं? प्रीति की तरफ क्या देख रहे हो? स्विच ऑफ हो गया तो अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं सर। क्या सब आज ही बात कर दोगे अंकल? न्यूटन ने क्या कहा था कि लाइफ इज अ जर्नी, हमें ट्रैवल करना पड़ेगा मिलके, तभी आपके बारे में मुझे, मेरे बारे में आप, तो सब कुछ पता चलेगा। हाँ ठीक है मैं चलता हूँ भाई। अरे मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, तुम ऐसे ही चले जा रहे हो? हाँ अभी तो पिया है फिर अभी खाने के लिए बोल रहे हैं। ज्यादा खाया तो रिश्ता पक्का नहीं होगा, मेरी माँ ने कहा था। चलता हूँ ससुर जी, बाय। Oh my God. विक्रम, 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 calm down, calm down, विक्रम, 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 क्यों चिल्ला रहे हो इतना? विक्रम, hey, विक्रम, विक्रम। खबर मेयर को कुछ अनजान लोगों ने बहुत ही खतरनाक तरीके से मार दिया गया है। ये अरिस्टेंट पार्टी का ही काम है करके रूलिंग पार्टी वाले कह रहे हैं। सर इसके बारे में क्या जानते हैं? क्या है सिचुएशन सर? इट्स वेरी मिस्टीरियस मर्डर सर। इससे पहले जो हुआ इसे भी वैसा ही मार दिया गया सर, जैसा हमने सोचा था उतना सिंपल मर्डर नहीं है सर। उसके लेफ्ट साइड चेस्ट में 6 होल्स है सर, काफी अजीब है। वो क्या है समझ में नहीं आ रहा सर। सर चाकू से या गन से मारा जाता है ये हम देख चुके हैं, लेकिन यह ऐसा नहीं हुआ। अजीब सा कुछ वेपन से मार दिया गया सर।
वही समझ में नहीं आ रहा। इस मर्डर को इतना सिंपली नहीं ले सकते सर। हाँ, ये सब क्लियर करके बॉडी लेके आओ। हेलो फ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स, मैं हूं बैगन फ्रॉम बैगन के बाल यूट्यूब चैनल। आज होने वाले प्रैंक से अगर कोई भी नहीं डरा तो उसे हमारे चैनल की तरफ से 10,000 रुपए मिलेंगे। वेरी फनी है ना ये बैगन बात करना और इंसान ना डरे। जब ये बैगन डराता है तो भूत सारे गड़ 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 कांप जाते हैं। तो ऐसे इंसान क्या चीज है। चलो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे घंटी को टक कह के दबाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट, अगर पसंद नहीं आया तो डिलीट और ब्लॉक कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट द प्रैंक। अलर्ट अलर्ट, ऑल गन्स आर लोडेड। बस टारगेट यहीं पर है। टारगेट ने ब्लू शर्ट, व्हाइट जींस और व्हाइट कैप लगाया हुआ है। एक मिनट रुक जा। रेडी, शूट कर दो, शूट करो। किसको उड़ाना है? ए भाई, कौन है तू? दिसता का तुला? हेलो, मैं कौन है मालूम तेरे को? अपने आमदार पाटिल भाऊ मालूम तेरे को? अरे मस्त क्लोज है हम दोनों, एक ही लंगोट पहन के बड़े हुए ले, समझा क्या? टारगेट ने अभी कंफर्म किया है यही पाटिल का दोस्त है। पॉइंट ब्लैंक पे रहकर शूट करने से खोपड़ी उड़ जाना चाहिए। शूट कर, कूटे बंदे, जल्दी कर, शूट कर, जल्दी कर, टारगेट आ रहे हैं, जल्दी शूट कर, क्या कर रहा है, जल्दी शूट कर। अरे अरे बैगन, बैगन के बाल, अगले टारगेट के लिए तैयार है क्या फ्रेंड्स? रेडी, यहीं पर है, बैठा हुआ है। टारगेट येलो कलर शर्ट पहना हुआ है, ग्रीन कलर पैंट भी पहना हुआ है। सेंटर पॉइंट देखकर एक ही बुलेट खोपड़ी में घुस जाना चाहिए। चल शूट कर, अभी शूट करना, एक ही बुलेट, शूट कर। अरे सर घुटना चाहिए, जल्दी शूट कर, अभी क्या कर रहे हैं? शूट क्यों नहीं करते हैं? क्या नई नई शादी हुई है? ऐसी शादी करके क्या फायदा, जब बीवी ठीक नहीं है तो लाइफ भी ठीक नहीं होगी, बस फ्रस्ट्रेशन ही होगा। अरे शादी की क्यों बात कर रहा है? एक बुलेट यहाँ पर, एक बुलेट यहाँ पर, दो बुलेट सीधा घुस जाना चाहिए। क्या दिल की दर्द की वजह से पेट में तकलीफ? अर्जेंट है क्या? सुलभ कॉम्प्लेक्स वहीं पर है। जा जल्दी जा, 2 रुपए में एक बाल्टी देंगे। अभी ये क्या टॉयलेट के बारे में बात कर रहा है? देख भाई, मेरे दोस्त के पास में गन है, वो भी इतने लंबे लंबे गन हैं, तुझे मार देंगे, चला जा यहाँ से खामोश। अबे पागल, इतनी लंबी लाइन होगी तो यहीं पे करेगा क्या? उस झाड़ के पीछे चले जा। एसी पॉम्पलेट कहाँ गया? एक काम कर, झाड़ के पत्ते लेकर। ए अबे पेपर बोल रहा है, पत्ते बोल रहा है, क्या बात कर रहे हो? तुझे समझ भी आ रहा है? नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा ये प्रोग्राम। भाई प्रॉब्लम नेटवर्क की है क्या? हमारा एयरफी नेटवर्क है, बहुत अच्छा वाला। हमारे पास 3 ऑफर है,
गोल्ड प्रीमियम डायमंड। तो इस ऑफर के बारे में अभी तुझे सुनाई दे रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुझे छाती पे गोली लगेगी तो नहीं बचेगा तू। अच्छा पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर दोनों को ज्वाइन किया तो एक महीना फ्री मिलेगा, वैसे ही जितने लोगों को ज्वाइन करेगा उतने महीने फ्री मिलेगा। अच्छा समझ गया क्या? तू क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अबे तेरे लिए तो शार्प शूटर्स रेडी है। अबे चुप करना, शादी हुई तो और बिजी। ससुर को ज्वाइन कर, साले को ज्वाइन कर, एक महीना फ्री में ले ले। सासू माँ को ज्वाइन कर, बीवी को ज्वाइन कर। और मेरी बात, मेरी बात सुन, अंगूठे गिरवी रख के मैं पैसे लेकर आया हूँ, एक बार तो डर जा। मेरे पैसे क्यों पे करेगा तू? दोनों को ज्वाइन किया, एक महीना फ्री में मिलेगा, फिर दोनों को ज्वाइन करेगा तो फ्री से। तुझे क्या समझा रहा हूँ, एक बार तो डर जा, एक बार डर के भाग जा। अभी फ्री में तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता यार, ये सिर्फ। अबे सार डर नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा हिम्मत वाले लग रहे हैं। आ जाओ तुम लोग, सब आ जाओ, सब आ जाओ। आओ 10,000 तो गए। हाँ कैमरा। हेलो सर, नमस्ते। राधे फिल्म बहुत बढ़िया है, सिनेमा सुपर हिट है, स्पेशली साउंड इफेक्ट्स का तो भाई क्या कहना, कान पड़ गए, पूरे गाने हिट है, अभी बहुत अच्छा है। अबे रुक भाई, तो अभी मजा के मूड में है, तूने 10,000 जीते हैं, ये ले। हाँ पैसे कितने? 10,000। 25,000 तुम्हारे पूरे बैच के लिए, 3 महीने के लिए नेट फ्री है। देखा दोस्तों आपने, कोई भी हमसे आकर लेता है लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं देता, लेकिन हमारे इस दरिया दिल भाई ने 3 महीनों तक बैगन और बैगन के बाल यूट्यूब चैनल के लिए 3 महीनों तक एयरफ्री का फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये था आज का प्रैंक वीडियो, मैं हूँ बैगन फ्रॉम बैगन के बाल यूट्यूब चैनल। अभी कट करना, कितनी देर लगाएगा कट कर। तुम भी बह रहे हो? अब मतलब तू बह रहा? अब ये कैसे सुनाई दिया? मुझे थोड़ी सी लिप रीडिंग आती है। बाय एयरफ्री। अब बैगन कौन और बैगन का बाल कौन? अबे क्या किस्मत खराब है यार। अबे तुम क्या देख रहे हो, चलो। ओके सर।
कॉफी। थैंक यू। पापा, एक्चुअली आपसे एक बात बोलनी है। बोलो बेटी। सुशांत को सुनाई नहीं देता। ही इज डेफ। क्या वो बहरा है? तुम इतने आराम से अब बोल रही हो बेटी? मगर वो बहुत अच्छा है पापा। चुप करो। तुम क्या बोल रही हो तुमको समझ में आ रहा है प्रीति? देखो प्रीति, आजकल सब सही रहने पर भी शादियां नहीं हो रही हैं और लोग टेंशन से मरे जा रहे हैं। अरे बेटी, तुम एक बहरे से शादी करके तुम कैसे जी पाओगी? प्लीज स्टॉप पापा, एक बार मेरी बात सुनिए ना, एक बार। पहले मैं जो बोल रहा तुम सुनो। मुझे वो पसंद नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप के साथ शादी करके तुम खुश नहीं रह सकती। जिंदगी में तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी, आज तो कम से कम सुनो। क्या है पापा, उनमें तो आपको सिर्फ बहरा ही दिखाई दे रहा क्या? वो अच्छा इंसान है, वही फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो क्यों नहीं देख पा रहे हो? इतना बड़ा राक्षस होने पर भी रावण अपनी प्रजा के लिए भगवान ही था। लंका प्रजा की तरह मत सोचो, घर की बेटी की तरह सोचो, तभी मेरा दुख तुम्हें समझ में आएगा। उसको बस सुनाई नहीं देता, इतना ही है ना? वो कुछ बड़ा डिफेक्ट नहीं लगता है मुझे। ये लॉजिक वाजिक सब छोड़ो। देखो पापा, आई एम वेरी क्लियर, मुझे वो बहुत पसंद है, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करती। मैं उसे बुलाती हूँ, आप बात कीजिए। वो अगर घर पे आए तो मैं बाहर चला जाऊंगा। नमस्ते अंकल। हे भगवान। हाँ ठीक हूँ, मंदिर गया और प्रसाद भी लिया। एक शनि की तरह घुस के आ गया। हाँ प्रसाद वही खा लिया। तुम्हें आई लव यू बोलने के बाद ये तुम्हें कैसे समझ में आया, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अगर फ्यूचर में मुझे किसी ने पूछा यही मेरा दामाद है तो टूथपेस्ट बॉटल की तरह हमेशा हंसता ही रहता है ये बोलना पड़ेगा। अरे मैं गालियां दे रहा हूँ, तुम हंसते ही जा रहे हो, पागल हो गए क्या? पापा। क्या है? आप जितना भी डांटो वो सुन नहीं सकता। अंकल, शायद आपकी बातें मुझे ना सुनाई दे, पर मैं आपके इमोशन समझ सकता हूँ। इस बहरेपन से मुझे बचपन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं हर दिन कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढता ही रहता हूँ। इस डिफेक्ट की वजह से मुझे हाल ही में जॉब भी मिली है। आप इसे कैसे कह सकते हो कि डिफेक्ट ना हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती? ये एक प्रॉब्लम बाहर दिखाई दे रहा है। बाहर ही हंसते हुए दिल में खेद रखने वाले लोग समाज में बहुत सारे हैं, आपको वो प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। मैं आपकी बेटी को धोखा देकर उससे शादी करने की नहीं सोची, मैं बहरा हूँ ये कहने के बाद उसने मुझे आई लव यू बोला। मुझे प्रॉब्लम है इसके लिए मैं पहली बार खुश हूँ। मेरी बेटी से तेरी शादी नहीं करूंगा, ऐसी बातें मैं नहीं सुन सकता, इसीलिए। थैंक यू अंकल, बाय, टेक केयर। गुड मॉर्निंग दीपक। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाउ इज द ट्रेनिंग गोइंग ऑन? सर जब से आज तक बेहतर ट्रेनिंग हो रही है सर। सर कॉफी पियोगे सर? नो इट्स ओके, कैन आई सी हिम? या शो, देखो उस तरफ। ओ विक्रम सिम्हा, हाउ आर यू विक्रम? विक्रम, विक्रम, हे हे, काम डाउन, काम डाउन, आई इज योर ओनर विक्रम सिम्हा। यूजुअली इतना चिल्लाता नहीं सर, आज क्या हुआ कि समझ में नहीं आ रहा? इट्स ओके, टेंशन मत लीजिए, साइलेंस चलता। हाँ सर। विक्रम आज क्यों इतना चिल्ला रहे हो? लेट्स गो आउट, कम ऑन विक्रम सिम्हा, विल गो फॉर वॉक।
इलाके में ताला पड़ा हुआ फैक्ट्री के अंदर एमएलसी दुर्गा यादव की लाश मिला है। अचानक कुछ लोग इतनी खतरनाक तरीके से हत्या करके वहाँ फेंक दिया है, ऐसी खबर मिली है। शहर में इन घटनाओं को ट्रेस करने के लिए स्पेशल ऑफिसर। कम इन, एवरीथिंग इज क्लियर। कम इन, वहाँ सब क्लियर हो गया ना? हाँ मूर्ति, अभी एसीपी दामोदर सर जिस जगह क्राइम हुआ है वहाँ आप पहुँचे। और एसीपी सर ऑन द स्पॉट। गर्दन से लेकर सीने तक ये कैसे निशान है? हाँ सर, इससे पहले जो हत्याएं हुई उन शरीर पर भी ऐसे अजीब से निशान थे सर। इतना ही नहीं, उस बॉडी के ऊपर आयरन रॉड के रश सैंपल भी हमें मिले सर। मुझे तो यूं लग रहा है कि इसकी बीवी बालिका वधु सीरियल देख रही थी और ये आकर अचानक से चैनल चेंज किया होगा और उसने गुस्से में इसे मारकर यहाँ फेंक दिया होगा। वेरी सिली सर। तुझे जितना सिली लग रहा है ना, बॉडी देखकर तूने जो एनालिसिस किया ना, वो भी मुझे इतना ही सिली लग रहा है। इन्वेस्टिगेशन का पहला असूल ये है, फर्स्ट सी, नेक्स्ट एनालिसिस, देन स्पीक। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो रत्ना। यस सर। टेंशन है, क्या पर है? किताब क्या बोल रहे सर? अच्छा पढ़ना। राजा की संपत्ति को देखकर बाकी सारे राजा बहुत ईर्ष्या व्यक्त करते थे, ये राजा को भी पता है। किसी भी राजा के मन में उसे मारने की इच्छा ना हो, इसलिए उसके जिस्म पर भयानक तरीके से मारकर निशाना लगाता था। कारपोरेटर यादव के जिस्म पर ऐसी निशानी देख के पुलिस को पता नहीं चल रहा है कि हथियार ने कैसा हथियार इस्तेमाल किया है। अरे ये क्या है जी, उधर जो लिखा हुआ है इधर भी वही है।
शत्रु राज्यों के राजाओं को अपने वश में करने के लिए थोड़े दिन आराम के बाद राजा फिर से आक्रमण शुरू किया। इस बार राजा ने शत्रु के सीने से पेट तक 5 निशानियों के साथ चीरते हुए मार रहा था। मेजर राजाराम सीने से पेट तक चीर कर 5 निशानियों के साथ मार दिया गया। यहाँ भी वहाँ भी एक ही तरह है साहब। थोड़े दिन के आराम के बाद में फिर से राजा ने आक्रमण शुरू कर दिया है। अपने पास के हथियार से दुश्मन राजा को घायल शेर की तरह छाती पर निशाना लगाते हुए मार दिया। रूलिंग पार्टी एम दुर्गा राव को छाती पर अजीब से निशानियों के साथ चीर कर मार डाला। क्या ये सब ये? उधर दोनों भी एक ही है, मगर कौन हो सकता है? बाय द वे, आपकी सेंट सीके है ना सर? ओ गुड केस। सेम स्मेल। सांबे वे नायकर। काम डाउन, ही इज योर ओनर। 11th एंट्री। को एंट्री नेक्स्ट डे मर्डर। 12th ये किताब जो पढ़ रहा है शायद वही मर्डर कर रहा है साहब। सार्वड मुझे ऐसा लगता है हम ज्यादा सोच के बेवजह शक कर रहा है ऐसा लगता है। साहब जी एक आइडिया, इस किताब को हम कहीं छुपा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मर्डर हो रहा है नहीं, तब पता चलेगा कि असली कातिल कौन है। क्या बोलता सारवाड़ है? ठीक है, वो पेपर सब ठीक रखो। गुड मॉर्निंग सर। बैठो बैठो। अरे सुशांत, सुशांत उसको सुना ही नहीं देता, ये बात आपको याद नहीं रहता। हेलो। फोन करने के लिए आपको हमारा धन्यवाद, आपके पास हमारा मैसेज। इधर। नमस्ते सर। नाटक नहीं, बांद्रा रोड नंबर 10 पे। क्या ऑफिस के अंदर नाग सांप घुस गए? नहीं सर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। मुझे भी डर लगता है। क्या अच्छा वहाँ पे कहाँ था उसने? तुम रुको, बांद्रा रोड नंबर 10 में इफ यू अरे थोड़ा रुक रहे, फाइला शोरूम का कनेक्शन चेक करना है। हाँ कर दीजिए ना। मुझे नहीं तुझे करना है। क्या सर? तुम्हें जाना है। वाह मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ सर। सॉरी फूटी किस पर? देखो यहाँ पे तुझे जाना है। अच्छा मुझे जाना है, ओके सर। चलो अबे रिपेयर के लिए जाना है, चल गाड़ी निकाल। चल सर, उस रैक में किताब थी, कहाँ गई? अरे वही जो ब्लैक कवर के ऊपर गोल्डन लेटर से लिखी हुई थी, क्या था? राजा रणम टाइटल से। अरे आप इतना सिंपल से कैसा कहते हो? इतना रख लेते तो कैसा? आपकी लाइब्रेरी किताब आपको नहीं पता? सर मुझे किताब चाहिए किसी भी कीमत पर। ये मेरा फोन नंबर है, किताब मिलते मुझे फोन करके बता देना प्लीज। क्या हुआ है? वायर कट हुआ है। हाँ? क्या हुआ है? अरे वायर कट हुआ है, तू जा। कहाँ कट हुआ है ये देखूँ मैं तुझे लेकर आया और तू मुझे काम बोल रहा है। अरे भगवान।
दीवार पे चिपकाने वाले पैर को मैं महिष्मती साम्राज्य का राजा बल्लाला देव को मारने के लिए षड्यंत्र करने वाले मुगल बादशाह का पागलपन देखकर हमें बहुत हंसी आ रही है। तुम्हारी आंखों में ये डर देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है मैत्र। यही डर उस मुगल बादशाह के आंखों में भी देखना चाहता हूँ। इसके पहले मरे हुए वीरों के समाधियों के ऊपर प्रमाण करके कह रहा हूँ, आपकी मुगल बादशाह को मैं नहीं मिटाया तो मैं इस महिष्मती का राजा ही नहीं, मुझसे मेरा राज्य छीनने का मतलब महाप्रलय को सामने करने का जैसा है। प्रलय को देख के भागना है, सामना करने का कोशिश मत करो। अगर कोशिश करने की साहस भी किया तो सर मुझे नौकरी नहीं करनी सर, मैं चला जाऊंगा सर। तू ऐसे डिसीजन मत ले। अभी क्या हुआ, कुछ तो बता क्या हुआ सर। 100 हॉरर फिल्म और 100 थ्रिलर फिल्म देख के कैसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है सर अभी। क्यों, किसका देखा, क्या किसका देखा? अबे ऐसे तूने क्या देखा? अच्छा क्या देखा पूछ रहे, बताता हूँ सर एक मिनट। तुम्हारी आंखों में ये डर देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है मैत्र। यही डर उस मुगल बादशाह के आंखों में भी देखना चाहता हूँ। नाइस परफॉर्मेंस। बस यही देखा सर। अबे ऐसे डबिंग सिनेमास और वेब सीरीज डाउनलोड करने के लिए तुझे इंटरनेट नहीं दिया है, वीडियो डिलीट कर और जाके अपना काम कर। अबे क्या है, हॉलीवुड मूवी चल रही जो ऐसा देख रहा है, इधर आ। वीडियो डिलीट करके जाके अपना काम कर, जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दे। ठीक है सर, ओके सर, चलता हूं। पता नहीं क्या समझ में आया, ऐसे साउंड इंजीनियर नहीं है तो साउंड साइंटिस्ट है। या कम इन। देखो शुरुआत से शुरू मत करना, मुझे समझाने की भाषा में सोच समझ कर डिसाइड करके आना। जाओ। नमस्ते सर। सर हमारा स्टाफ का नाम चंदात्रेय किशोर वर्मा, ये हमारा लाइब्रेरियन है। साहब हर रोज एक आदमी लाइब्रेरी में आके किताब पढ़ता है साहब। हमारे साहब को डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है साहब। क्यों इतना गौर से पढ़ रहा है ये सोच के हमारा साहब भी वो किताब पढ़ने लगा साहब। ये किताब में इंसानों को मारने का तरीका, न्यूज़पेपर में मर्डर होने वाला तरीका एक ही है साहब। जिस दिन से वो बुक पढ़ना शुरू किया उसी दिन से मर्डर होना शुरू हुआ साहब। इसीलिए एक हफ्ते पहले वो किताब को कहीं छुपा दिया साहब, तब से लेके अब तक भी एक भी मर्डर हुआ ऐसा न्यूज में कहीं पर भी नहीं आया साहब। What? Is it serious? अब ये कहां मिलेंगे, इनका एड्रेस रजिस्टर में एंट्री किया क्या? उनका फोन नंबर है क्या? इसके डिटेल्स पता करो। ओके सर। I'm ACP दामोदर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज गेट इन। स्ट्रेट टू द पॉइंट, हाल ही में सिटी में जो मर्डर्स हो रही हैं, हमें शक है कि इन मर्डर्स में आपका हाथ है। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो हम फौरन यहाँ से चले जाएंगे। मर्डर? मुझ पे शक है? ओके फाइन, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए पूछिए। हाल ही में सिटी में जो मर्डर्स हो रही हैं, उन मर्डर्स के बारे में आप कुछ जानते हो क्या? I'm a retired professor, sir. I'm not a journalist. ये सब बड़ी होने के लिए माने कैजुअल न्यूज देखना या क्राइम टाइम रिपोर्ट देखना ऐसा कुछ? मेरे इस बिजी लाइफ में टीवी देखना, आई यूजुअली नेवर वॉच टीवी सर। ओके, आपको किताबें पढ़ने की बहुत ही इंटरेस्ट है ना? या आई प्रिफर टू रीड बुक्स मोस्ट ऑफ द टाइम। इतनी बड़ी घर में आप अकेले रहते हो क्या? जी हाँ मैं अकेला रहता हूँ। आपकी वाइफ और चिल्ड्रन? पत्नी को गुजर के 10 साल हो गए और मुझे कोई नहीं है। Hmm.
मिस्टर नायकर, ये कौन है? He's my son. मगर वो दूर रह करके एक साल हो चुका है, अभी कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। पता नहीं क्या? पूछने पर वाइफ के बारे में बताकर चुप हो गए? आपके बेटे के बारे में क्यों नहीं बताया? इसे क्या टीवी सीरियल समझा? आधा आधा सस्पेंस में बता के रोकने के लिए भूल गया। वो कोई अडॉप्टेड सन थोड़ी है, आपकी अपनी औलाद है, कैसे भूल सकते हो? ठीक है, अगर हमें कोई डाउट्स हैं तो फिर से मिलने आएंगे। चलता हूं। प्लीज, एनी टाइम। चलो गाड़ी निकालो। नमस्कार सर। कुछ क्लूज के बारे में बोल रहे थे ना, क्या है वो? सर एक्चुअली मैं एक डॉग ट्रेनर हूँ। रिसेंटली एक डॉग को ट्रेन कर रहा हूँ। कैजुअली मॉर्निंग वॉक के लिए वो डॉग को लेके गया था। वो एक लाश के पास लेकर गया सर, वैसे ही अगली बार डेड बॉडी के पास लेके गया। फर्स्ट टाइम डेड बॉडी के पास गया तो एक पेन मिला है, सेकंड टाइम डेड बॉडी के पास गया तो एक वॉच मिला है। उस चीजों का कॉमन पॉइंट क्या है कि उन दोनों में से आने वाला सेंट स्मेल, वो ओनर यूज करने का सेंट स्मेल एक ही है सर। सर जनरली क्राइम ट्रेसिंग सेंट्रोल्स की यूज करने का डॉग्स लाइक जर्मन शेपर्ड स्मेल से कातिल को पहचान लेते हैं, वैसे ही फ्रेंडली से रहने वाला वो डॉग्स ओनर को देख के गर्जन करना सस्पिशियस की बात है। मुझे लग रहा है कि इस मर्डर से उस ओनर का कुछ तो लिंक है सर। अच्छा वो पेन और वॉच देना। ओके सर। यहाँ दे दीजिए सर। यहाँ उसका एड्रेस 4th Avenue विहारी गेटेड कम्युनिटी गोरेगांव ईस्ट मुंबई। His name is सांभवी नायकर। Exactly सर, आपको कैसे पता? मैंने जो पूछा उसका इन्फॉर्मेशन देना बस। पूछिए, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए बताता हूँ। ये जो दो मर्डर्स हुए थे ना, ये वॉच और पेन मिले हैं, ये आपके है ना? ऐसी घड़ी और पेन तो लाखों लोगों के पास होती है, ये मेरी है, ये कैसा डिसाइड कर सकते हो आप? ये मेरी नहीं है। आपका जो परफ्यूम है कैल्विन क्लीन है ना? पिछले 10 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो इस पेन से और इस वॉच से आपके परफ्यूम का स्मेल आ रहा है। <Stop it! laughs> सॉरी सर, आप पुलिस वाले इतना सिली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एक्सपेक्ट नहीं किया था। सिंपल लॉजिक है सर, ये पेन और घड़ी जितने लोगों के पास हो सकता है उतने ही लोगों के पास ये परफ्यूम भी हो सकता है। मैंने कोई घर में तैयार करके इसे इस्तेमाल नहीं किया है, सभी लोगों की तरह दुकान से खरीदा है। आपने जो पूछा फॉरेंसिक रिपोर्ट आया सर, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी इंक्लूड है सर। वाह क्या टाइमिंग है रत्नाकर। थैंक यू सर। मैं जो भी पूछ रहा हूँ सरकाज़म कर रहा सर, अगर यही निकला ना इसकी पूरी सरकाज़म उतारूंगा। लेट्स सी। मैच नहीं हुआ क्या सर? तो फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। मे आई लीव नाउ? आपका कुत्ता जब आप उसने देखने आए थे आपके साथ क्यों अग्रेसिवली बिहेव किया? ये मुझे कैसे पता? जाके कुत्ते से पूछिए। ए, कुत्ते से बात करना तो मैं नहीं जानता, तुझे कुछ आइडिया रत्ना कर? मुझे भी नहीं आता सर। नो क्लूज। चोर पुलिस के खेल में चोर को पकड़े जाने में टाइम लगता है, पर जरूर पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाने के बाद बताना, अभी नहीं जा सकता हूँ। एक दिन के लिए हमारे अतिथि बन जाएं। रत्नाकर सर अपने शिष्टाचार में कमी ना हो। ओके सर। हेलो ब्रदर, आप भी एसीबी सर के लिए इंतजार कर रहे हो क्या? कौन सा गांव है ब्रदर आपका? ब्रदर बोलो ब्रदर। क्या है भाई तेरा प्रॉब्लम? वो बोल नहीं सकता, क्या बात करेगा वो? ओहो बाप रे। चैन सर आने देने। सॉरी सर, आप गुंगे हैं क्या? कैसी सिचुएशन है सर? मैं देख नहीं सकता, आप बोल नहीं सकते। हम दोनों को अगर बात करना है तो हमें कोई देखने वाला चाहिए। फिर से और की जरूरत है क्या? रुक। हाँ? ऐसा ही सीधा अंदर जा रहा है, किससे मिलना है? सार से मिलना है, सार को कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है रे? मैं तुझे नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ सार को ही दिखाऊंगा। क्या दिखाना चाहता भाई? नमस्ते। अबे बहरा है क्या? सार से मिलना है, कुछ दिखाना है उन्हें। अरे चलो। हाँ चलो।
सर नमस्ते सर। कौन है ये? सर ये आपके सिवा किसी से बात करना नहीं चाहता। सर नमस्ते सर, मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको कुछ दिखाना है सर मुझे। ए, क्या दिखाओगे? बाद में दिखाना, चलो। थैंक यू सर। हाँ चलो। मेरा नाम सुशांत है सर और मैं एयरफ नेटवर्क में काम करता हूँ सर। हमारे नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कई ज्यादा स्पीड है सर। और दूसरी बात यह है कि पुलिस वालों के लिए अलग से चुप कर, इतना कर, इसे बाहर ले जाओ। हाँ सर, अरे रहने दीजिए, टी कॉफी कुछ नहीं चाहिए सर। कभी अगर ये कौन है भाई जो इतना नॉनसेंस में बात कर रहा है? पी लेता हूँ सर, अभी फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। क्या बोल रहा है तू? तेरी परेशानी क्या है? लिप टू लिप किस देने वालों जैसा ऐसा क्यों घूर रहा है? सर मैं आपको बताना भूल गया, मुझे सुनाई नहीं देता सर। सुनाई नहीं देता? सुन नहीं सकता? मैं एक नेटवर्क रिपेयर करने के लिए गया था सर एक जगह, वहाँ पे मर्डर हुआ था, मैंने उसे फोन में रिकॉर्ड किया है सर। मर्डर? क्या मर्डर? हाँ सर। बहरा होना? मुझे थोड़ी सी लिप रीडिंग आती है सर। इधर दो। मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ सर। लिप देख कर बात करो। ठीक है चलिए आपको ही दिखा देता हूँ। तुम्हारी आंखों में ये डर देख के देखिए बहुत खुशी हो रही है, मैं यही डर तुम भी देखो मुगल बादशाह की आंखों में भी देखना चाहता हूँ। इसके पहले मरे हुए वीरों के समाधियों के ऊपर प्रमाण करके। सर ये नायकर का बेटा ही है? हाँ सर। सर वो फोन मुझे चाहिए सर, मेरे कस्टमर्स कॉल करते हैं उस पे। तुम अपने बेटे के साथ मिलकर ये मर्डर्स किए हो और अनजान बनकर हमारे आंखों में धूल झोंक रहे हो। ये रत्नाकर सर, 75 mm रॉड को जरा तेल लगा कर लाना। ओके सर। क्या बात कर रहे हो सर? मेरे बच्चे से मैं एक साल से दूर हूँ, एक्चुअली मैं उससे टच में नहीं हूँ। अच्छा टच में नहीं है, एक बार रॉड घुसेगा ना सब कुछ याद आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ सर, प्लीज ट्रस्ट मी। तेरी ये बकवास सुनने के लिए इधर बैठा हूँ क्या? ए सर, केस क्लोज। सुपर सर। इसने इस किताब के बेस पर उसी पैटर्न में अपने बेटे से मर्डर्स करवाया। बताए मर्डर्स क्यों कर रहे हो? हकीकत में मेरे मर्डर से कोई संबंध नहीं सर। तुझे मर्यादा रास नहीं आती? हाँ बताता हूँ सर। बोल। एक्चुअली मेरा बेटा मेंटली डिसऑर्डर है सर, जिस बारे में भी ज्यादा सुनता है वो इजीली और जल्दी अडॉप्ट हो जाता है सर। एक हिस्ट्री प्रोफेसर होने के नाते बचपन से उसे राजा और राज्य के कहानी सुनाया करता था। यही मैंने सबसे बड़ी गलती की, आज पता चली सर। वो इतना अट्रैक्ट हो चुका था सर कि बड़ा होकर के तू क्या बनेगा, तो हमेशा कहता था कि मैं राज्य का राजा बनूंगा। सभी लोग उसे पागल मानते थे। तब से वो अकेला अपने रूम में अकेले जा करके किताबें पढ़ता रहता, साथ में पर्सनल डिसऑर्डर भी बहुत बढ़ गया सर। हिस्ट्री में कॉमन पॉइंट है, जानते क्या है वो? एक राज्य पर आक्रमण करने के लिए उनके सेनापति को, सेना को, आखिर में राजा को भी मारने के लिए मेंटली फिक्स हो गया सर। उसे सुधारने की मैंने बहुत कोशिश की सर, मगर नहीं सुधरा वो। तो ये सारे मर्डर्स इस किताब के बेस पर क्यों हो रहे हैं? इसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं सर। इसका जवाब मैं देता हूँ रत्नाकर। सर वो मर्डर कहाँ हुआ था? सर इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है सर? कुछ तो बताइए सर, सर जवाब आपको देना पड़ेगा सर। पूछ रही है सर, बताइए सर, सर जवाब दीजिए सर। सर वेपन बढ़िया है ना? हाँ सर बढ़िया डिजाइन है। हमें हर मर्डर केस में सिर्फ लाश मिलती थी, इस मर्डर केस में बोनस के तौर पे वेपन भी मिला है। हाँ सर। रत्नाकर तुम एक काम करो। सर नायकर के घर जाकर उसके बेटे की फोटो लेकर सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो। ओके सर। वो अगला मर्डर करने से पहले ही हमें उस हरामी को पकड़ना चाहिए। हेलो ब्रदर, मैं दीपक हूँ। मेरा नाम सुशांत है और मैं एयरफ नेटवर्क में काम करता हूँ। अगर तुझे चाहिए तो 3 घंटे का कनेक्शन हम दे सकते हैं तुझे। मुझे कोई ऑफर नहीं चाहिए, लेकिन अंदर खूनी के बारे में बात कर रहे। अच्छा क्या ऑफर से पूछ रहे हैं? अभी बताता हूँ तुझे, यहाँ पे देख, ये देख ये वाला सिल्वर है, इसके अंदर मैं अंधा हूँ लेकिन अंदर खूनी के बारे में। अच्छा और भी स्पेशल ऑफर चाहिए, क्या बात कर रहा है? ये देख गोल्ड, इसमें 5G होता है, फैमिली का स्पेशल ऑफर है,
रात में उस टाइप के वीडियो सब कुछ डाउनलोड करके देख सकते, पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अंदर खुली के बारे में? हाँ, और भी ऑफर्स है ना, क्या बात कर रहे हैं, देख प्लैटिनम वाला। हाँ, दिखाई नहीं देता। इतनी देर से गला फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ तो तभी बता सकता था ना कि अंधा है और इसे दिखाई नहीं देता। नहीं सर। हाँ, ये बात नहीं कर सकता। अच्छा, तो उसने खाया नहीं? अच्छा, सर दर्द? तू बात नहीं कर सकता, ये नहीं देख सकता। ये तो बहुत अच्छी जोड़ी है तुम लोगों के लिए, मेरे पास एक अच्छा ऑफर है। अच्छा, तू हंस रहा है? तुम लोग को एक बात पता है, ये सुन नहीं सकता। नहीं सर, ये बोल नहीं सकता। अरे यार, उस तरफ वाला सुन नहीं सकता, तू देख नहीं सकता, ये बात नहीं कर सकता। तीनों की जोड़ी सही है सर, तीन दिन का ऑफर है भाई। मैं तेरे पैर पड़ता, मुझे माफ कर दे भाई। हाँ, हे, क्या है सर? इट्स टू लेट सर, अगर आपकी इजाजत है तो हम जाते हैं सर। ए, बस करो, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करो, मैं खुद तुम्हें भेजूंगा। ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, मुझे तो काम है, मैं चलता हूँ फिर बाद में आऊँ। पागल कहीं, कितने बार बोलूं? सर, स्टेशन में कोई लेटर आया सर। कहाँ से आया है? कोई अजीब सा एड्रेस है सर, माहिष्मति राज्य, माहिष्मति राजा, भल्लाल देव। क्या लिखा है पढ़ो। पिताजी आप चिंता मत करो, हमारे राज को हमसे छीनने वाले सबको चुन चुन के मार रहा हूँ। मुझे रोकना उतना आसान नहीं है, हमारे प्रजा की रक्षा करना हमारे और आपका फर्ज है, वो कभी नहीं भूलूंगा। अगर हमें कोई रोकने की कोशिश करता है तो उनके रक्त से राज तिलक लगाना आपको देखना होगा। हमारा राज्य हमें पाने के लिए कुछ ही दिन बाकी है, तब तक इजाजत दीजिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका प्रिय पुत्र, माहिष्मति का राजा, भल्लाल देव। I expected. सर, हमारे लिए थ्रेट है सर, हमें थोड़ा प्रोटेक्शन दिलवा दीजिए। इनके कैब में मैं नहीं जाऊंगा सर, मेरे पास बाइक है, मैं चलता हूँ। रत्नाकर रुको, सर बात कर रहे ना, क्यों जा रहा है? सर, आप कोई टेंशन ना ले, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, एक स्टेट का इश्यू है। इसमें पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। आप लोग मेरी जिम्मेदारी है, पर आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए, और तुम तीनों को कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा। ए, क्या होगा इसे, फिर से लिप टू लिप किस देने वाले जैसा घूर रहा है, ये पढ़ लो। हाँ? पिताजी, हमारे राज हमसे छीनने वाले सबको मैं मार दूंगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सबको खत्म करके। सर, क्या है सर, बिल्ली चूहे लड़के कॉकरोच को मार दिया, जैसे हम जैसे मासूमों को क्यों मार देंगे सर। प्लीज सर, उसे बुलाइए, हम बैठ के बात करके सेटल कर लेंगे, चाहिए तो 3 महीने का नेट फ्री देंगे सर। दूंगा दूंगा, पागल कहीं का, चल निकल ये रत्नाकर, यहीं ले जाओ, चलो चलो। अरे बढ़िया है, कहाँ पे आ गए ब्रदर? गूगल मैप में दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ पर आ गए, आराम से देख लेना, चलो। हाँ, अरे रे 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 रे, कितनी खूबसूरत है सर, ब्लैक मनी से खरीदा आपने? ये हमारे दादाजी की संपत्ति है, ऐसे घर खरीदना हमसे नहीं होगा सर, हमें छोड़ दीजिए। पहले चुप कर, नहाने के लिए बोल रहे, आप भी नहा लीजिए सर। तुम वहां ढूंढना शुरू करो, मैं यहाँ ढूंढना शुरू करता हूँ, सब जगह पे ढूंढो यार। हे, क्या ढूंढ रहे हो? सर, हमारा मोबाइल नहीं मिल रहा है, लोग फोन कर रहे होंगे। मोबाइल्स मेरे पास है। क्यों सर? कुछ नहीं, तुम लोगों को थ्रेट है ना, मोबाइल्स तुम्हारे पास रहेंगे तो डेंजर है, इसीलिए अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़े वो लैंडलाइन को यूज करो। सर 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 सर, आपके घर में चोरी हुई है सर, हमारे सेलफोन गायब है सर, चलिए पुलिस कंप्लेंट करते हैं। ओ, आप ही पुलिस है ना सर? ए, इसे कोई समझाओ रे, दिमाग का दही कर रहा है। ए, क्या रे, फिर से लिपटॉप किस तेरी? तो हमारा फोन इन्होंने ही छुपाया है यार। तो उनका फोन भी चोरी हो गया क्या? अरे तो साला इसको सुनाई ही नहीं देता। तेरा काम तो अच्छा है भाई, फोन जाने पे तो जो दिखाई भी नहीं देता। अब देखता हूँ कि तू कैसे बात करता है। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ? क्या लड़की बात नहीं कर सकती? आप भी तेरी तो दोनों की खूब जमेगी भाई, लेकिन तू बात कैसे करेगा? अच्छा,
क्या बात करना, ये सब कुछ पहले ही लिख कर आया है। इसे दे, ये बहुत अच्छा पढ़ के सुनाएगा। दे रहा है इसे। हाँ पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लूं। अंजलि तुम कैसी हो, क्या तुमने खाना खाया? कैसे हो तुम, खाना खाया पूछोगी तो हाँ खाया, आप भी सोने जा रहे हो बोलोगी क्या? गूंगी है वो, ये वेस्ट है हटा दे। हम अनजाने में एक मर्डर को, मर्डर के बारे में मत बताओ उसे, टेंशन ले लेगी। वैसे ही ना, ये भी वेस्ट है। हमें यहाँ पे इंट्रोगेशन के लिए लिया है, लिया है नहीं लाया गया है ये भी नहीं पता, ये भी वेस्ट है। अगर लिखा हुआ सब कुछ कट किया तो मैं क्या बात करूं घंटा। अच्छा ठीक है, जो लिखा वो पढ़ूंगा। नंबर डायल कर। हेलो अंजलि बोल रही है, किशोर को क्या बोलना है सब कुछ उसने पेपर में लिख के दिया है। मेरा नाम सुशांत है और मैं एयरफ्री कंपनी में काम करता हूँ, अगर आपको कोई कनेक्शन चाहिए तो मुझसे कहिएगा। ओके। वो पूछ रहा है कि आप कैसे हैं? आपको टेक्स्ट मैसेज भेजना उससे हो नहीं पाया, पुलिस लोग इंक्वायरी के लिए लेकर आए उसे, एक हफ्ते के बाद आ जाऊंगा ये बोल रहा है। डोंट वरी, टेक केयर, आई। ओ तू बोलेगा, ये नहीं देख सकता। हाँ क्या बात है, इसे फोल्ड करके अपने बैक पॉकेट में लगा ले। फिर मैं मेरी गर्लफ्रेंड से बात करूंगा, उसने क्या कहा तो मुझे लिख के बताना। हर बात पे अंधा है गुंगा है करके बोल रहे हो ना, आप कैसे बात करते हो देखता हूँ। अबे क्या देखेगा अबे, तुझे तो दिखाई नहीं देता है। कैसे देखता हूँ, तुम देखते रहो। फिर मैं मेरी गर्लफ्रेंड से बात करूंगा, उसने क्या बात किया तुझे इशारे में बताना है मुझे। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है, मैंने तेरी हेल्प की है ना। अरे कर ना, अरे 7 8 9 8 1 0 9 9 एयर फ्री। तू कह रहा है मैं नहीं हूँ। ओ तुझे सुनाई देता है ना। हेलो सुनो सुनो सुन। रे कहाँ चले गए यार तू, दो दिन से कॉल ट्राई कर रही थी, एक इम्पोर्टेंट मैटर बोलना है तुझे। लड़की उसके पिताजी गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गए। क्या मर गया वो? क्या बात कर रहा रे, तेरे बगल में कौन है? डैडी जी को इंजेक्शन देकर आईसीयू में एडमिट किया है, बचेगा या मरेगा? ससुर जी को कुछ नहीं होगा, हम जितना भी पैसे खर्च करेंगे। नाटक करना बंद करो, मैं जो बोल रही हूँ सुन के क्लियरली उसको बता। पापा शादी के लिए मान गए, एंड टेक केयर। अरे भाई तेरे पाँव पड़ता हूँ, हमारे ससुर जी को कैसा, ये तो बता ना प्लीज। अब तक जो भी बोला झूठ है, इसने झूठ बोला है। शादी के लिए राजी हो गए क्या? प्रीति शादी के लिए राजी हो गए तो कंग्रेट। हम शादी के बाद ऊटी जाएंगे और वहां से वो फोन रखकर बाय बोल के चली गई। बापरे। रत्नाकर उन तीनों को इन्वेस्टिगेशन रूम पर लेके आओ। कोई टेंशन की बात नहीं है, असल में मैटर यह है कि इस बुक को एग्जैक्टली फॉलो करके मर्डर्स करने तक ओके, लेकिन ये मर्डर्स क्यों कर रहा है? ऊपर से मरने वाले सब पॉलिटिशियंस हैं, सिर्फ पॉलिटिशियंस को ही ये पागल क्यों मार रहा है? आखिर उसका मकसद क्या है? नमस्ते सर, हम अभी उस तरफ नहीं, इस तरफ चल। यह सिर्फ रिवेंज नहीं है सर, उसका टारगेट मारना नहीं है, राज्य का राजा बनना उसका मकसद है। जमाने में राजाएं और राज्य होते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट फॉर्म हो चुके हैं, उसकी नजर में स्टेट एक राज्य है और सारे पॉलिटिशियन लोग इस राज्य पर राज करने वाले सामंत राजाएं हैं, इसीलिए उसकी टारगेट पॉलिटिशियंस हैं। हाँ ठीक ही तो लिखा है ना सर। पागल के बारे में जानने वाला कोई भी इसे इजीली एनालाइज कर सकता है। अब सवाल यह है कि इसका नेक्स्ट टारगेट कौन है? एक और मर्डर होने से पहले ही उसे पकड़ना चाहिए। बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसा तुमने कहा उतना इजी नहीं है, वो सिर्फ एक ही पार्टी के पॉलिटिशियंस को मार रहा है। उनके बैकग्राउंड के बारे में इंक्वायरी किया तो वह सब जो पावर में है वही पॉलिटिशियन है। अरे क्यों मार रहा है पता कर सकते हैं, लेकिन किसे मारेगा ये कैसे पता कर सकते हैं? ए हमारा वाला बोर्ड पे कुछ लिख रहा है बे। क्या लिख रहा है? कि तूने ही वो मर्डर किया है। मजाक कर रहा था। हाँ। अभी उसका लिखना हुआ नहीं, होने के बाद में बताता हूँ। हाँ।
ये सारे उस पार्टी से इस पार्टी में जंप करने वाले कैंडिडेट्स हैं। अब इस पार्टी में बचे हुए एक एमपी और एक मिनिस्टर, सो मेरे गिस के मुताबिक उसका नेक्स्ट टारगेट पक्का एमपी होगा। सर, उसका नेक्स्ट टारगेट एमपी मनोहर हो सकता है, मुझे शक है। साहब अभी कहाँ हैं? सर, बगैर सिक्योरिटी के अकेले फार्म हाउस चले गए सर। व्हाट? सिक्योरिटी के बगैर अकेले गए हैं? शिट! कांस्टेबल, इसको उठाओ। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? सर, अंदर हमारे साहब को मार रहे सर। अरे अरे, कौन है तू? तुझे क्या चाहिए मुझसे? कॉन्स्टेबल्स, तुम दोनों जाके पीछे का डोर चेक करो और तुम इधर जाओ। जो भी मांगूंगा दे दोगे क्या? एक तरफ जान जा रही है, देने से मना कैसे कर पाऊंगा? मुझे इस महिष्मती का सारा साम्राज्य चाहिए, दोगे क्या? महिष्मती राज्य? वो किधर है? मुझे नहीं पता। अरे पागल क्या बोला, तुझे जितना पैसा चाहिए उतना देने को तैयार हूँ, मुझे छोड़ दे। सर, इस तरफ एक डोर है। कॉन्स्टेबल्स, तोड़ो इसे। आपकी आंखों में डर देख के बहुत खुशी हो रही है मित्र। उन आंखों में ये तलवार घुसा दिया तो कैसा रहेगा मित्र? मानसिक स्थिति सही नहीं होने के कारण ट्रीटमेंट करवाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। अब तक एक केस भी ना हारने वाले एसीपी दामोदर ने इस केस को भी सॉल्व कर दिया है। नमस्ते सर। तुम तीनों ने बहुत मदद की है, थैंक्स अ लॉट। कोई बात नहीं सर, अभी पी रहे हैं। सुनो, तुम तीनों के फोन इसके पास है, ले लो। हाँ सर। क्या रे, समझ में नहीं आया? इधर आ। अच्छा ये है सर, ये तो खूब समझ में आता है। चलो हमारे फोन चलो। सर, अगला केस क्या है सर? क्या बात है, बहुत खुश हो रत्नाकर? क्योंकि केस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया ना सर, इसलिए। हाँ, सर ये बात है सर, तो पैराडाइज से बिरयानी ऑर्डर करो। ओके सर, सबको ट्रीट देंगे। हाँ सर। सर क्या बात है रमेश, बहुत टेंशन में हो? सर, एमपी मनोहर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मॉर्निंग 7 o'clock को उनकी बॉडी हॉस्पिटल को शिफ्ट की गई थी सर। रत्नाकर चलो। मनोहर साहब का डेड बॉडी देख सकता हूँ मैं? श्योर सर। शरीर पे कुछ अजीब से निशान है सर। और कहीं चोट लगे हैं? पीठ पे लगा है सर। बॉडी को टर्न करो। ये कैसे लगे हैं? नो क्लू सर। कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं क्या? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। बॉडी को देखकर मुझे कुछ शक है सर। ने मारा और मरवाया वो दोनों जेल में है, तो इसे किसने मारा है?
चंद्रशेखर किशोर वर्मा, चंद्रशेखर किशोर वर्मा। हमारा साफ का नाम चंदात्रेय किशोर वर्मा। ठीक ही तो लिखा है ना सर? बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। इस पागल की कहानी उनको कैसे पता है? पहले गूंगा आया था और डाउट रेस किया। उनका फोन नंबर है। सेकंड अंधे ने आकर क्लूज दिया। मुझे लग रहा है कि इस मर्डर से उस ओनर का कुछ तो लिंक है सर। थर्ड बहरे ने वीडियो दिखाकर वही होने का कंफर्म कर दिया। रत्नाकर, ये नायकर का बेटा ही है ना? सिर्फ पॉलिटिशियंस को ही ये पागल क्यों मार रहा है? आखिर उसका मकसद क्या है? मुझे बेवकूफ बनाया। रत्नाकर, ये मर्डर्स उन तीनों ने ही किया है। इमीडिएटली उनके फोन ट्रेस करके कहां है पता लगाओ। अर्जेंट। कुत्ता जो लेकर आया था वही हमारा टारगेट है सांबे विनायकर। ये ले उसका पेन, ये लो ये इसका वॉच है, ये वो यूज करने वाला स्प्रे था, तू ये इस्तेमाल कर। तू क्या इस्तेमाल कर रहा है? राजरण। मैं टैलेंटेड हूं, इसमें सबसे पहले पिक्चर निकाल के पब्लिक से पहले पुलिस को दिखाऊंगा। यस। सेंट सीके है ना सर? ओ गुड गेस। नेक्स्ट प्लान क्या है भाई? एक के पीछे एक आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना है। अबे प्लान के बारे में कुछ तो बताओ यार। अच्छा ऑलरेडी बता दिया तो ऐसे ही करेंगे। स्टेशन में कोई लेटर आया सर। कहां से आया है? अबे, नेक्स्ट किसे मर्डर करने वाला है? इसका ओपन हिंट क्यों दे दिया उसे? वो पागल, पुलिस वालों को पकड़ जाने का टाइम आ गया है। अच्छा सर, उन तीनों का फोन नॉट वर्किंग आ रहा है। क्या हुआ? सर ये गुंगा है सर और ये भैरा है सर। किसी ने मेरे आंखों में पेपर स्प्रे डाल दिया सर। बगल में स्पेशलिस्ट है, वहां लेके जाओ। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा सर।
के ए पाल यानी मैं महाराष्ट्र का 34वां मुख्यमंत्री होने का प्रमाण करता हूँ। यस, आपको पता है ना, मैं जीत गया तो आधार कार्ड भूल जाओ, सबका एक ही कार्ड होगा, ऑल टाइम के पाल कार्ड, सब फ्री, एंजॉय। ए रुको, कौन हो तुम लोग? सर ये डॉक्टर सुशांत कार्डियोलॉजिस्ट, और ये डॉक्टर किशोर। नमस्ते, आई एम डॉक्टर वर्धन, सिंथेटिक स्पेशलिस्ट। सिंथेटिक? सिंथेटिक क्या होता है? हेलो, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वहाँ क्या देख रहे हो? हैं? वहाँ क्या है? उधर पेशेंट को सीरियस हो रही है, बातें कर रहा है तू, हटो। ओके ओके ओके, इन्वेस्टिगेशन करने वाला वो नहीं है हम। नमस्ते सर, पहला हो, अरे चल भाग, चल। ए रुको, कहाँ भाग रहे हो? अर्जेंट कहा था, ऑपरेशन कहा था, इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे इसका उससे क्या लेना देना है? अच्छा, हेलो, तुम क्यों डांस कर रहे हो? हाँ, तू कौन सा नेट इस्तेमाल कर रहा है? मेरा जियो नेटवर्क है भैया। अरे जियो नेटवर्क, मेरे पास एयर फ्री का नेटवर्क है, 300 रुपए में 3 महीने फ्री में मिलेगा, पता है क्या तुझे? क्या 300 रुपए में 3 महीने फ्री? फ्री एयर फ्री? फ्री? तुझे समझ में नहीं आ रहा यार, चल मैं बताता हूँ तुझे, एक बार इधर आजा मेरे साथ। यहाँ पर वो 2 नंबर वाला पेशेंट है ना? आप कौन? आप कौन है सर? आई एम डॉक्टर हरिदयाल। एक्चुअली मैं ब्लाइंड हूँ सर, मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता, टॉयलेट जाने के लिए मैं इस तरफ आ गया। फिर ये व्हाइट कोट क्यों पहने? ये व्हाइट जैकेट है, लगता है मेरा ब्लैक जैकेट मैंने चेयर पे छोड़ दिया है, पहनते टाइम पे शायद से ये चेंज हो गया। ओके ओके, ये आईसीयू है, टॉयलेट्स उधर है, मैं बताता हूँ, चलो। आपने एक को ज्वाइन किया तो 1 महीना फ्री है। मतलब बीवी और बच्चे को ज्वाइन करवाऊंगा तो और 2 महीना फ्री? हमारा वाईफाई कट होगा, यही पूछ रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। चल तेरा वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन कर, ऑन कर, चल ऑन करना, मैं बताता हूँ तुझे, ओपन कर, एयर फ्री, ओके कर, अभी चेक कर ले, ऐश कर ले। अबे साले, क्या रे, क्या बात कर रहा है रे? हाँ, क्या बात कर रहा है? हाँ, क्या बात कर रहा है? क्या बक रहा है? पीछे ही पड़ गया यार ये तो। क्या बोले सर? ये देखो, यही टॉयलेट है, अंदर आओ। बोलते क्या सर? मुझे पेशाब करने आता है सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, मैं के पॉल आपके लिए एक अच्छा सा गाना पेश करूंगा। हे ये देखा तूने, मिनिस्टर मर गया है। ब्रेकिंग न्यूज, बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल में ज्वाइन हुआ मिनिस्टर श्रीनिवास राव का, आज सुबह ही उनका देहांत हो गया, मेडिकल नेग्लिजेंस ही इसका कारण मालूम पड़ा है। आई एम ACP दामोदर। बोलिए सर। आई नीड टुडे CCTV फुटेज फ्रॉम यू। ओके सर। इट्स डिपार्टमेंट्स पर्सनल इश्यू। ओके सर, फुटेज नीचे है, दिखाता हूँ। ओके सर, आइए सर। उस दिन ये तीनों यहां देखो, वही तीनों सर पकड़े गए। डील कंप्लीट हुआ है सर, आपके कहने पर दोनों को फंसाकर बाकी सबको मार दिया सर, अगर आप बताएंगे कि पैसा कहाँ है तो हम जाकर ले लेंगे सर। लाइफ में इतने समझदार लोगों को नहीं देखा मैंने। उन तीनों को इतना दिमाग नहीं है, उनके पीछे कोई एक मास्टरमाइंड है।
अश्वत्थामा हतः कुंजरः। किसी को हम ताकत से मार नहीं पाएंगे, उसकी कमजोरी से मारना चाहिए। जिस दिन सीसीटीवी फुटेज में इसे देखा था, तभी मुझे शक हुआ था कि इसे इस मर्डर्स का और उन तीनों का जरूर कुछ कनेक्शन है। हर एक इंसान की जिंदगी में एक मकसद होता है। अगर इंसान को सुकून में जीना है तो उस मकसद को पूरा करना पड़ेगा। मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है, दैट इज व्हाई नीड योर हेल्प। इसलिए मैंने आपको चुना है। आपके बदले के लिए हम हेल्प करें सर। लेकिन हम क्यों हेल्प करें सर? आई एम अ ब्लाइंड पर्सन सर। हेलो, आप लोग क्या बात कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस धूप में मुझसे नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूं। निकले उन्हें हमसे कुछ काम है इसीलिए बुलाया। सर क्या आप एक चीज जानते हैं, मुझे सुनाई नहीं देता, ये बात नहीं कर सकता और वो देख नहीं सकता, मालूम है? मालूम है, तो बताइए कौन सी हेल्प चाहिए। I have been spying you guys for a long time. कई लोगों के लिए अपना ये डिफेक्ट वीकनेस बन सकता है, बट यू गाइस तुम्हारी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बना लिया। आई अप्रिशिएट दैट। मुझे वो बुद्धिबल से बहुत जरूरत है। उस जरूरत के बदले तुम्हें रिटर्न्स भी मिलेंगे। रिटर्न्स मतलब पैसे दे रहे हो क्या? नो, तुम्हें गलती करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरे साथ जो अन्याय हुआ, पुलिस ने सहारा नहीं दिया, कोर्ट ने सहारा नहीं दिया, माय लास्ट होप इज यू गाइस। ओह, रिटर्न्स, कूल। मैं सीधा स्ट्रेट पॉइंट पर आता हूं। स्नेक ऑयल इज द नेम गोस, सांप की चमड़ी से निकाला हुआ तेल। इस दुनिया की नजरों से छुपाकर कहीं जंगल में इसका उत्पादन कर रहे लोग। उस जगह से भागे हुए सांप आसपास के जंगल में पहुंच के वहां के लोगों को मार रहे हैं, ये मेरे इन्वेस्टिगेशन में पता चला। मैं सोच रहा था कि इसके पीछे कौन होगा, फिर पता चला कि एक पावरफुल पार्टी के पॉलिटिशियंस इसके पीछे है। लेकिन इन सबको चलाने के लिए खुद का फायदा सोचने वाला एक इंसान जरूर होता है। इन सबको चलाने वाला भ्रष्टाचार शंभवी नायकर, आर्थराइटिस और बोर्सिटिस जैसे बोन जॉइंट डिजीज के लिए चाइना में सबसे ज्यादा इस ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। ये सब लोग मिलकर इस ऑयल को एक चाइनीज कंपनी के लिए स्मगल कर रहे, ये मुझे पता चला है। मेरी बेटी श्वेता एक जर्नलिस्ट थी, तो इस अत्याचार के बारे में आंध्रवाणी पेपर में उसने एक आर्टिकल लिखा था। मेंटली इल उस प्रोफेसर के बेटे के हाथों मेरे बेटी का खून करवा दिया। अब एंटर द पुलिस, मेंटल इलनेस की वजह से ये हत्या हुई, ये कह के एसीपी ने केस क्लोज करवा दिया। बस उतना ही नहीं, फॉरेस्ट डेवलपमेंट फंड के अंदर स्कैम किया के मुझे बंधन कर दिया। आई वॉज जस्ट थ्रोड आउट ऑफ माई डिपार्टमेंट। मकसद से करने वाली नौकरी और मेरी प्यारी बेटी, दोनों ने इन्होंने मुझसे छीन लिया। मतलब ये आपका पर्सनल रिवेंज है सर? यस, इट इज माय पर्सनल रिवेंज। मेरी बेटी श्वेता की आत्मा शांति के लिए रिवेंज, मरे हुए मासूमों के लिए रिवेंज, हजारों सांपों के लिए रिवेंज, हर एक प्राणी दूसरे प्राणियों के साथ करता हुआ इनोसेंस, इकोसिस्टम को कोलैप्स करने वालों के खिलाफ है रिवेंज। सॉरी सर, दुनिया में इतने लोग होकर भी आपने हमें क्यों सिलेक्ट किया है सर? जिनके पास डिसेबिलिटीज होते हैं उन पे कोई शक नहीं कर सकता, जो ठीक ठाक होते हैं उन पे हमेशा नजर रहती है। मुझे जो कहना था कह दिया, यू कैन डिसाइड। जिस पागल की वजह से हमारी डीलर बेटी की मौत हो गई है, वही पागल को इस्तेमाल करके हम सबको मार देंगे। डीलर ने मैसेज भेजा है। उनके फोटोज और डिटेल्स भी भेज दिया। अगले राज्यों पर दंडयात्रा करके राज्यों को वश में करने का कोशिश कर रहा हूं।
कुतंत्र और रणतंत्र सिर्फ ये बोर्ड पे ही है या फिर असली राजा बनने की भी ख्वाहिश है? हाँ, कौन है आप? आपके राजा बनने की ख्वाहिश को पूरे करने वाले बंदे हैं हम। आइए पधारिए। हाँ, मैं महाराजा बनने से आपको क्या फायदा? आपको राजा बनने की जैसी ख्वाहिश है वैसे हम में से मंत्री बनने का, सेनापति बनने का, मुझे गुड़ाचारी बनने की ख्वाहिश है। आपके ख्वाहिशों के साथ हमारे ख्वाहिशें भी पूरी होंगे राजा। राजा साहब सिर्फ शतरंज खेलते हैं या फिर लड़कियों के साथ? ये बहुत आसान है, हम सब लोग मिलकर अगर चाकू चलाएंगे तो राज हमारे वश में हो जाएगा। राजा बनने का आपका मकसद पूरा हो जाएगा, सब आपके पैरों तले रहेंगे। अब तक सब लोग मुझे पागल पागल कह रहे थे, मगर आप जैसे समझने वाले कोई नहीं है मित्रों। अब मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? पुराने राज्य अब गवर्नमेंट की तरह फॉर्म हो गया है। उस जमाने के राजा और सामंत राजा इस जमाने में कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी के रूप में पालन कर रहे हैं। उस रूप को हटा के, उनको मिटा के, अधिकार छीन लिया तो आप ही हमारे राजा बन सकते हो। भला मित्रों भला। हमारा अगला कर्तव्य इस सिटी का कॉर्पोरेटर राजा यादव से हमारा दंड यात्रा शुरू करेंगे। समझो मार दिया कॉर्पोरेटर राजा को। नेक्स्ट राजा राम नाम का, इस सिटी का मेयर राजा है। मेयर राजा। नेक्स्ट एमएलसी राजा काटूरी दुर्गा यादव। तुरंत ही मार दूंगा। नेक्स्ट एमएलए राजा नागेंद्र गुड़ीपुड़ी। एमएलए राजा, उसे हमारे आस्थान में ही मार दूंगा। नेक्स्ट एमपी राजा मनोहर, सिक्योरिटी के बिना फार्म हाउस में अकेले है। हाँ, ओपन कर, ओपन कर। हाँ, पैसे। हाँ, सुपर। और भी चाहिए? ले ले। एक जाइगर। अरे वैसे उस मिनिस्टर को किसने मारा है? हाँ सब 2000 के नोट ही है। वैसे उस मिनिस्टर को किसने मारा है पूछ रहा हूँ। अरे कितने पैसे, कौन जाता है यार? उस दिन हॉस्पिटल में फिनिश कर दिया। कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमएलसी, मेयर, ये सारे मर्डर्स पागल के हाथों करवाया। सांभवी नायकर ने मरवाया बोल के केस क्लोज कर दिया। एमपी एक्सीडेंट में मरवा दिया है बोल के केस क्लोज कर दिया। होम मिनिस्टर मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से मर गया, केस क्लोज हो गया। अगर अब वो तीनों पकड़े भी जाते हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। मेरे करियर में एक ही एक केस को हायर अथॉरिटी के प्रेशर की वजह से एटलीस्ट ओपन किए बगैर क्लोज किया। एक्सीडेंटल डेथ ऑफ जर्नलिस्ट श्वेता त्रिपाठी। अगर वो फाइल ओपन करता तो ये सारा झमेला नहीं होता था। उस पागल के बारे में तभी पता चलता। मैंने जो केस क्लोज किया है उसी से मुझे बेवकूफ बनाया।
वाह, वो तीनों को डिफेक्ट होने के बावजूद भी कितना बढ़िया गेम खेल के गए सर। कुछ भी कहो, कुछ तो बात है, सच में तीनों तीनों दमदार है सर।